दोस्तों दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सपना देखता ही है। सपने हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। व्यक्ति के मन का सपनों के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत से संकेत बताए गए हैं जिससे इस बात का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। सपने आपके वास्तविक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको संकेत देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यदि किसी को सपने में माँ लक्ष्मी या माता के किसी रूप के दर्शन हो तो ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं सपने में माता के इन रूपों के दर्शन होना किस बात की ओर इशारा करता है। दोस्तों सपने में लक्ष्मी माँ को देखने का क्या अर्थ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी लक्ष्मी माँ का वास होने वाला है, अर्थात आपको बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति हो सकती है। सपने में माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। लक्ष्मी जी की आराधना करने पर आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों सपने में राधा जी को देखने का क्या अर्थ होता है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में राधा जी के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको शारीरिक शांति मिलने वाली है। दोस्तों यदि आपने दुर्गा माँ को सपने में देखा है तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी ने अपने सपने में दुर्गा माँ को सपने में देखा है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति